श्रीलंका के खिलाफ बांग्लादेश के गेंदबाजों ने रच दिया इतिहास। पहले टेस्ट में साकिब अल हसन और नईम हसन ने 9 विकेट लेकर मचाया कोहराम। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आप भी बांग्लादेश के इस प्रदर्शन से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही दोस्तों आपके मुताबिक इस मुकाबले को कौन सी टीम जीतेगी, आप भी अपनी राय नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का आज दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ है। श्रीलंका ने सुबह दूसरे दिन के खेल की शुरुआत 4 विकेट पर 258 रनों से की। मेहमान टीम ने सुबह के सेशन में दबदबा बनाए रखा। मैथ्यूज और दिनेश चांदीमल ने 5वें विकेट के लिए साझेदारी 136 रन पर पहुंचाई। इसके बाद नईम हसन ने 5 गेंद के अंदर 2 विकेट लिए। चांदीमल ने नईम की गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलना चाहा, लेकिन वह चूक गए और LBW आउट हो गए। इसके बाद 4 गेंद के बाद ही नईम ने निरोशन डिकवेला को भी बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि श्रीलंका की ओर से पूर्व कप्तान एंजेलो मैथ्यू ने 199 रनों की पारी खेली। हालांकि वो अपने दोहरे शतक से महज 1 रनों से चूक गए। उन्होंने 397 गेंदों का सामना करते हुए 14 चौके और 1 छक्के की मदद से 199 रन बनाए। निचले क्रम में चांदीमल ने 66 रनों का योगदान दिया। वहीं बात करें अगर बांग्लादेश के गेंदबाजों के बारे में तो आपको बता दें कि नईम को 6 विकेट मिले, जबकि साकिब अल हसन के खाते में 3 विकेट गए। वहीं तैजू इस्लाम ने भी 1 विकेट लिया और श्रीलंका की टीम 10 विकेट पर 397 रन ही बना सकी। इसके जवाब में अपनी पहली पारी में बांग्लादेश की ओर से महमदुल्ला हसन जॉय और तमीम इकबाल बल्लेबाजी करने उतरे। इन दोनों ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक शानदार बल्लेबाजी की। महमदुल्ला ने जहां 31 रन बनाए तो वहीं तमीम इकबाल भी 35 रन बनाकर नाबाद रहे। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों खिलाड़ी तीसरे दिन बांग्लादेश को कैसी शुरुआत दिलाते हैं। तो दोस्तों इस पर आप भी अपनी राय जरूर दें। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।